हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गैजेट गर्ल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले महतारी वंदन योजना के बारे में। जैसे गाइज, आप सभी को पता होगा कि महतारी वंदन योजना के अभी तक 2 किस्तें सभी महिलाएं वे माताओं के खाते में पहुंच चुके हैं। 1-1 हजार रुपए की हर महीने किस्त जो जारी की गई थी सभी महिलाओं के खाते में। अभी गाइज, तीसरी किस्त का सभी महिलाओं को इंतजार है कि तीसरी किस्त उनको कब मिलने वाली है। जैसे गाइज, आप सभी को पता होगा कि तीसरी किस्त का टाइम तो हो गया है कि टाइम इस हफ्ते के अंदर अंदर आपको तीसरी किस्त का भी इंतजार आपका खत्म हो जाएगा। सो गाइस, तीसरी किस्त का पैसा आपको 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के अंदर अंदर आप सभी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन ये पैसा गाइस किन किन महिलाओं को मिलेगा वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और आप कैसे चेक करेंगे किन किन महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना का पैसा आया है तीसरी किस्त का या फिर नहीं आया है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारा हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ आप कैसे चेक करेंगे कि आपको महतारी वंदन योजना का पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो हमने यहाँ पे गाइस गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उस ब्राउजर को ओपन कर लेना, अपने फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में जहाँ पे भी आप ओपन करना चाहते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रखा है। यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है, यहाँ पे लिखना होगा आपको, यहाँ पे लिख देना महतारी वंदन योजना .cgstate.gov.in। ठीक है, ये लिख करके आपको सर्च कर लेना, सिंपल से इस पर हम सर्च कर लेते हैं। जैसे आप सर्च करते गाइस, तो आपके सामने यहाँ पे महतारी वंदन योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पे 3 लाइन जो नजर आए पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते गाइस तो आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे नजर आएंगे, मुख्य पृष्ठ, आवेदन में भुगतान की स्थिति, अनंतिम सूची, अंतिम सूची, शिकायत करें और लास्ट में दे रखा आवेदन पत्र, शपथ पत्र एंड छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश। ठीक है, तो ये काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको तीसरी किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिल गई है तो किस खाते में मिली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपके एक ऑप्शन दिख रहा है आवेदन एवं भुगतान की स्थिति, तो इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे क्लिक करते गए तो आपके सामने वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने भुगतान की स्थिति जो चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया है तो किस खाते में आया है और आएगा कब तक आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे गाइस 3 ऑप्शन दे रखे हैं, लाभार्थी क्रमांक, मोबाइल नंबर अथवा आधार कार्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाभार्थी क्रमांक आपको छोड़ देना है, मोबाइल नंबर आपको छोड़ देना है। आपको क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे आ जाना आधार कार्ड की संख्या। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की संख्या लिख देनी है, इस कैप्चे को आपको यहाँ भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको आधार कार्ड के जरिए ही पता करना है कि आपका भुगतान की स्थिति क्या है, तो आपको यहाँ पे सबमिट करें पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करते हैं आपको सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे गाइज आपको पता चल जाएगी कि आपका भुगतान किस खाते में किया गया है, कितना भुगतान हुआ है गाइज, और गाइज सभी उन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा तीसरी किस्त का जिनको पहली वे दूसरी किस्त मिल चुकी है, जिनके अकाउंट में डीबीटी लिंक है, आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, अपना गाइस जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा गया था गाइस सारे डॉक्यूमेंट्स यदि राइट है और पहली दूसरी किस्त जिन महिलाओं को मिल चुकी है तो आज से आज भी काफी सारे लोगों को किस्त का जो पैसा मिल जाएगा काफी सारी महिलाओं को। लेकिन जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा आज की डेट में तो वो 1 हफ्ते तक का वेट करेंगे। 1 से 7 तारीख तक सभी महिलाओं के खाते में 1 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी तीसरी किस्त की। ठीक है, 1 तारीख से 7 तारीख तक के बीच बीच में, यानी कि 1 हफ्ता के बीच बीच में सभी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तीसरी किस्त महतारी वंदन योजना की। उस तीसरी किस्त का 1 हजार रुपए सभी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा डीबीटी द्वारा। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, 2-4 दिन आप वेट कर लीजिए। यदि आज की डेट में आपको पैसा नहीं मिला है तो गाइज आपको घबराना नहीं, नेक्स्ट डे आपको इंतजार करना है। अगर कल भी नहीं मिलेगा तो उसके नेक्स्ट डे आपको इंतजार करना है, 7-10 दिन आपको वेट करना होगा। ठीक है, तो आप एकदम पेशेंस मत खोना। सो गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त का पैसा मिलने वाला है। सो गाइज, आप सभी का इंतजार खत्म हो गया तीसरी किस्त का। तीसरी किस्त सभी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जा रही है, धीरे धीरे सभी महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है, सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, उस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मुलाकात करते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।